हेलो एवरीवन, नेहा टेस्टी रेसिपी यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन और स्ट्रेस के डाइट के बारे में। आप सबको पता ही है कि हमारे जाने माने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया और न्यूज़ में इसका कारण डिप्रेशन बताया जा रहा है। तो ये डिप्रेशन है क्या, ये क्यों होता है? आजकल की भागदौड़ वाली जीवन शैली और गलत खान पान के कारण मानसिक तनाव यानी कि स्ट्रेस बढ़ता है, जो कि ज़्यादा बढ़ने से डिप्रेशन होता है। इसलिए मैं आज आपके लिए डिप्रेशन डाइट लेके आई हूँ। आप प्लीज़ इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल करें ताकि आप स्ट्रेस फ्री रहें और आपका मूड अच्छा रहे। तो चलो शुरुआत करते हैं हम। एक हाई क्वालिटी प्रोटीन का स्रोत है। इसमें पाए जाने वाला कोलिन नामक घटक न्यूरो नर्वस को स्वस्थ रखता है। अंडे में पाए जाने वाला विटामिन B12 एंड डी दिमाग को शांत रखने में मदद करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और हेल्दी फैट ब्रेन हेल्थ एंड ब्रेन फंक्शन को सुधारने में भी हमें मदद करता है। बनाना। केला दिमाग को शांत रखने में मदद करता है क्योंकि इसमें पोटेशियम, विटामिन B6, आयरन काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें मौजूद कैटेचिन, फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट, ये सब कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो शरीर में ज़्यादा होने से डिप्रेशन होता है। केला खाने से डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है जिससे स्ट्रेस कम और मूड अच्छा बनता है। तो रोजाना आप एक केला खा सकते हो। डार्क चॉकलेट। इसमें मौजूद मिनरल्स, आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक एंटीऑक्सीडेंट दिमाग को शांत रखने में मदद करते हैं और मूड को अच्छा करते हैं। इसका सेवन करने से ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है और हृदय रोग में भी काबू होता है। स्पिनेच। पालक में विटामिन, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं जो दिमाग की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करते हैं। पालक में मौजूद फॉलिक एसिड स्ट्रेस फ्री रहने में हमें मदद करता है। आलमंड्स। इसमें हेल्दी फैट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें पाए जाने वाले विटामिन ई, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम दिमाग की नसों को स्वस्थ रखने में खास सहायक करते हैं। रोज़ 7 से 8 बादाम का सेवन करने से एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं जो मेंटल हेल्थ अच्छी रखने में मदद करते हैं। वॉलनट। अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 और हेल्दी फैट दिमाग को नसों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करते हैं। इसमें मौजूद विटामिन बी, विटामिन ई और मिनरल्स, कैल्शियम, जिंक, सेलेनियम दिमाग की नसों को तंदुरुस्त रखता है जिससे स्ट्रेस कम होके मूड अच्छा होता है। फिश। फिश बेहतरीन सोर्स है ओमेगा 3, विटामिन डी और हाई क्वालिटी प्रोटीन का। इससे शरीर की थकान दूर होके अच्छी नींद आती है और साथ ही हार्ट अटैक जैसी समस्या दूर रहती है। मछली के सेवन से ब्रेन फंक्शन सुधारता है और मूड अच्छा बनता है। ग्रीन टी। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन, मिनरल ब्रेन फंक्शन को सुधारने में और मूड को अच्छा बनाने के लिए लाभकारक है। ये स्ट्रेस कम करते हैं। इसके सेवन से हमें वेट लॉस करने में भी मदद होती है क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करता है। टर्मरिक मिल्क। हल्दी में मौजूद क्यूरकुमिन पोटेशियम, आयरन ब्लड शुगर लेवल को कम करके ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। दूध में प्रोटीन होता है जैसे कि केसिन प्रोटीन एंड वे प्रोटीन। प्रोटीन में ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड होता है जो सेरोटोनिन हार्मोन को रिलीज करके अच्छी नींद दिलाने में हमें मदद करता है। मिल्क की रेसिपी चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है,
उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। इन्हीं के साथ साथ आपको एक संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट लेना चाहिए। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हो, आपके प्लेट का 40% हिस्सा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, 25% हिस्सा प्रोटीन एंड 25% हिस्सा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और होल ग्रेन होने चाहिए। केवल 10% फैट होनी चाहिए। इस तरह से आहार लेने से आपके शरीर को एनर्जी मिलती रहेगी और आप एक्टिव रहेंगे, साथ ही साथ आपके शारीरिक स्वास्थ्य भी बना रहेगा और मेंटल हेल्थ भी आपकी मजबूत रहेगी। साथ ही हमारे अच्छे हेल्थ के लिए दुनिया में 8 बेहतरीन डॉक्टर हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो। 10 से 15 मिनट सूरज की रोशनी, रोज़ाना मिनिमम 2 लीटर पानी का सेवन, मिनिमम 7 आवर्स की नींद, रोज़ाना 10 से 15 मिनट प्राणायाम, मिनिमम 20 मिनट एक्सरसाइज और वॉक करना, संतुलित आहार, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास, लास्ट फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड के साथ कम्युनिकेशन रखना। तो ये थी हमारी डिप्रेशन में लाभदायक डाइट और उपाय की वीडियो। इसके साथ साथ ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए कोई विशिष्ट आहार नहीं है, मगर वीडियो में बताई हुई चीज़ों को फॉलो करने से आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी और आपका मूड भी बेहतरीन होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने फैमिली एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो सब इसका लाभ उठा सके। स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड स्टे एट होम। तो अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।